जौनपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व शाहगंज की जनता के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। आयोजन में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव व शाहगंज के विधायक रमेश सिंह ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित किया। विगत दिनों सोधी खंड के संचालक सरदेव श्रवण कुमार जी का निधन हो गया था, जहाँ आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। आयोजन में मृतक सरदेव श्रवण कुमार जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। श्रद्धे श्रवण सेठ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता, सरल व्यक्तित्व के धनी, जिसका एक ही लक्ष्य था कि ये देश सनातन धर्म के आधार पर, वैदिक संस्कृति के आधार पर निरंतर विकास करे, और उसी कड़ी में जीवन पर्यंत इन्होंने संघर्ष किया। इनके रोम रोम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बसा हुआ था। उठते बैठते चलते फिरते ये हमेशा संघ की ही चर्चा करते रहते थे और नए स्वयंसेवकों का प्रादुर्भाव करते थे। इनके जीवन काल का अंतिम क्षण यही करते बीता, और हर्ष है कि जिस बात के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, अपने मनीषियों ने, अपने भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने संघर्ष किया, वह संघर्ष की सफलता इनके जीवन काल में हो गई और अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। हालांकि कुछ पूर्व वो चले गए, भगवान के यहाँ से बुलावा आ गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम उनको अपने चरणों में, श्री चरणों में जगह जरूर देंगे। आज मैं एक जो रोड उनकी प्रेरणा से बना था भादी तक जाने वाला, नगर पालिका से आग्रह करके मैंने संकल्प कराया है, ये प्रस्ताव पास करवाऊंगा कि स्वर्गीय श्रद्धे श्रवण सेठ के नाम से उसका नामकरण हो जाए, और घोषणा भी हो गई है, और उसके माध्यम से उनकी याद हमको जीवित रहेगी, जीवंत रहेगी, चिरकाल तक इसको यादगार हम करते रहेंगे। ऐसे स्वयंसेवक को मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि गिरीश चंद्र यादव और वर्तमान में शाहगंज विधानसभा के विधायक ने भी पूर्ण रूप से सहयोग का वचन दिया है। श्रवण जी का जीवन जो है संघर्ष में बीता, और निरंतर संघर्ष करते हुए, आर्थिक संकट से जूझते हुए उन्होंने संघ का काज किया। ऐसे कार्यकर्ता को सत सत नमन है। देखिए, ये हमारे श्रद्धे श्रवण कुमार सेठ जी का आज श्रद्धांजलि सभा यहाँ रखी गई थी। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ, जैसा कि आपने देखा, सैकड़ों की तादाद में सभी संघ के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, जो उनके परिवार से जुड़े हुए लोग थे, सब यहाँ उपस्थित थे श्रद्धांजलि देने के लिए।